intense flavor. Zaikedar aur mazedar. Assalamu alaikum viewers. Aaj hum banane ja rahe hain orange truffle delight. जिसके लिए हमें इन तमाम इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। ये 1 पैकेट ऑरेंज जेली का लगेगा, 7 टेबल स्पून कस्टर्ड ले लेंगे। ऑरेंज कस्टर्ड जल्दी मिलता नहीं है, इसके लिए वेनिला कस्टर्ड ले सकते हैं, हमने वही लिया है। और ये 2 पैकेट मैंने न्यूट्री चॉइस बिस्किट का ले लिया है, आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही बिस्किट ले। और 2 मीडियम साइज ऑरेंज लिया है मैंने, इसके छोटे छोटे क्यूब बना लिए हैं। और ये ऑरेंज एसेंस लगेगा और गार्निशिंग के लिए चेरी लगेगी। आइए हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। ये हमने 1/2 ग्लास पानी लिया है, ये इसमें डाल देंगे। अब जल्दी जल्दी जेली इसमें डालेंगे। तेज आंच पे पकाएंगे, ये अच्छे से हम इसे डिसॉल्व कर लेंगे। अच्छी तरीके से जेली को डिसॉल्व करेंगे। अभी हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे ताकि वो सेट हो जाए। हम बाउल में निकाल लेंगे इसे। ये कस्टर्ड को हमने 1/2 कप दूध में मिक्स कर लिया है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। यह 1/2 कप शुगर है, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। अगर ज्यादा लगता है मीठा तो ज्यादा भी ले सकते हैं। अच्छी तरीके से मिलाएंगे, शक्कर एकदम घुल जाए। 1/4 लीटर दूध लिया था, इसमें हमने 1/2 कप शुगर मिलाया। अब इसके बाद में जो कस्टर्ड है इसे इसमें डिसॉल्व कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये अच्छी तरीके से हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। गैस की आंच को स्लो कर लेंगे। ये 1/2 टीस्पून ऑरेंज एसेंस जाएगा। ये 15 मिनट हमने पका लिया है, अब इसे हम बंद कर देंगे और इसे 1 घंटा सेट करने के लिए रख देंगे। उसके बाद में आगे का बताएंगे। ये अब हमने बिस्किट का चूरा कर लिया है, ये आप मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाथों से किया है। इसमें 1 टेबल स्पून बटर मेल्ट करके ये डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये जेली है, जेली को हम काट के एकदम बारीक बारीक कर लेंगे क्योंकि हमें लेयरिंग करना है। देखिए ऐसा हमने कर लिया है, ये हमारा रेडी हो गया है। अब इसे हम लिक्विड फॉर्म में कर लेंगे विप्स की मदद से, कोई लम्स ना रह जाए। अच्छी तरीके से लिक्विड कर लेंगे। अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे, या हम लेयरिंग करेंगे, थोड़ा डाल के इसे बिछाएंगे। इसके बाद में हम बिस्किट बिछाएंगे। कस्टर्ड की दूसरी लेयर हम बिछाएंगे। अभी दूसरी लेयर बिस्किट की बिछाएंगे। देखिए इसके बाद में जो यहाँ जेली है, जो ऑरेंज हमने रखा है उसकी लेयर हम लगाएंगे। व्यूअर्स ये बहुत अच्छी डिश है, बहुत अच्छी डिलीशियस बनती है।
अगर हमारे घर कोई दावत में आ रहा है तो हम ये रेसिपी बना सकते हैं फटाफट, बहुत यम्मी बनती है। अब हम ये जो जेली हम रखे थे, ये जेली की लेयर लगाएंगे। लास्ट हम कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। हम बिस्किट के क्रम जो बच गए हैं वो थोड़ी थोड़ी लगाएंगे। अब हम इसे गार्निशिंग कर लेंगे व्हिप क्रीम से। ये हमारा रेडी हो गया है ऑरेंज ट्रफल डिलाइट। देखिए कितना डिलीशियस बना है। इसे 4 से 5 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रखेंगे। आइए 5 घंटे के बाद मिलते हैं। हमारा ऑरेंज ट्रफल डिलाइट रेडी हो गया है और अभी इसे हम काट कर सर्व करेंगे। एक प्लेट में निकालती हूँ। देखिए कर बताती हूँ कैसा है। अमेजिंग। प्लीज गाइस मेरी इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा। एक बार मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इसे ट्राई करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।